ठीक है, लग जाएगी तुम्हारी जॉब, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, बताइए ना क्या करना है। मैं इस जॉब को पाने के लिए ना कोई भी काम कर सकती हूँ। पक्का? जो मैं बोलूंगा वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो तुम? हाँ सर, बताइए क्या करना है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अरे समझ जाओ ना कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। अरे सर, मैं क्या सोचूं, आप ही मुझे बता दीजिए ना मुझे क्या करना है। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हें बात सच में समझ में नहीं आई है या तुम समझना ही नहीं चाहते? सर आप क्या चाहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं इस जॉब को पाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तो आप मुझे खुद ही बता दीजिए ना साफ साफ कि आप क्या चाहते हैं। अरे यार तुम तो सच में बोली हो, तुम समझ जाओ ना एक लड़के एक लड़की से क्या चाहता है। ओ तो अब समझी मैं कि आप मुझसे असल में चाहते क्या हैं। सर एक बात बताओ, आपको मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या? बताइए सर, क्या आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हैं? अरे मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो तुम्हें ऐसी वैसी लड़की बनना पड़ेगा। सर आपको पता भी है इस जॉब को पाने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिए पढ़ाई कर करके ताकि मुझे ये जॉब मिल जाए। और सर अगर मुझे यही सब करना होता ना तो मैं इतनी पढ़ाई नहीं करती, इतनी मेहनत नहीं करती यहाँ तक पहुँचने के लिए। और सर आपकी जानकारी के लिए ना एक बात बता दूँ मैं आपको, मुझे अपनी काबिलियत पर ना पूरा भरोसा है, तो मुझे आपके ये शॉर्टकट्स अपनाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है अपने सपने पूरे करने के लिए। तो सर आप मेरी फाइल लौटा दीजिए, मुझे आपकी कंपनी में ना कोई जॉब नहीं करनी है। ठीक है ये लो अपनी फाइल, लेकिन हाँ मेरी एक बात याद रखना, ऊंचाइयों पर जाने के लिए ना शॉर्टकट्स तो अपनाने ही पड़ते हैं। सर मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, तो मुझे शॉर्टकट अपनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। शॉर्टकट तो वो लोग अपनाते हैं जिनको अपनी काबिलियत पर शक होता है और जो कुछ कर नहीं पाते अपनी लाइफ में। और हाँ सर आपको एक और बात बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़की शॉर्टकट नहीं अपनाती अपने सपने पूरे करने के लिए। ठीक है फिर अगर आपको शॉर्टकट्स के रास्ते नहीं अपनाने तो जाओ दर दर की ठोकरें खाओ। ठीक है सर चलती हूँ मैं, आपके शॉर्टकट से अच्छा तो यही है कि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं। और हाँ सर मैं कम कमाऊंगी लेकिन इज्जत का कमाऊंगी। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। मिस श्वेता हमारी कंपनी को आप जैसे ही ईमानदार इम्प्लॉयज की जरूरत है, और ये इंटरव्यू ही चल रहा था जिस इंटरव्यू में आप पास हुए, और हमारी कंपनी को ना ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए आप जैसे इम्प्लॉयज की जरूरत है, ना कि उनकी जो शॉर्टकट सपना है। और श्वेता मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी को आप जैसा होनहार और ईमानदार इम्प्लॉय मिलेगा, तो बैठिए हम सैलरी डिसाइड करते हैं। हमें श्वेता तो बताइए आपको कितनी सैलरी चाहिए?